खबर झांसी से है, जहां अघोषित बिजली कटौती को लेकर समथर थाना क्षेत्र के ग्राम साकिन व अन्य ग्राम के लोगों ने एकजुट होकर चक्का जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि 24 घंटे में सिर्फ 8-9 घंटे ही बिजली की सप्लाई मिल पा रही है, जिससे खेतों में लगी धान की फसल बर्बाद होने की कागार पर है। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन से राहगीरों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। धरने की सूचना पर समथर थाना सहित अन्य थाने का भारी पुलिस बल पहुंचा और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया। आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा लाइन मैनों में भी गंभीर आरोप लगाए। धरना प्रदर्शन की सूचना पर विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी एवं नायब तहसीलदार ने पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया एवं धरना समाप्त कराया। लगभग 2 हफ्ते से लाइट बिल्कुल आई नहीं रही, जो मान लो 1-2 घंटे मिलती और ना तो खेती का काम हो पा रहा है ना गाँव में लाइट मिल पा रही। इस संबंध में आपने कभी हाँ एसडीओ साहब को बताया था, एसडीओ साहब ने कहा था कि 10 घंटे हम खेतों पे 10 घंटे गांव में लाइट देंगे, लेकिन वो भी व्यवस्था उनकी चरमरा गई पूरी तरह से, केवल 4 घंटे लाइट दे पाए 24 घंटे में। गांव के कुछ लोगों द्वारा लाइन मैनों पर भी आरोप लगाया जा रहा, क्या है? नहीं, लाइन मैन तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर ही रहे, लाइन मुख्य समस्या लाइन मैन ही है, बेलाइन नहीं चलन दे रहा सबसे ज्यादा। लाइन मैन तो हटना चाहिए, लाइन मैन हटना चाहिए हर हालत में। लोकल के लाइन आपका नहीं नहीं, वो आप विभाग जाए ना किसी को रख के, हम किसी के क्यों गए? और कोई डिमांड है आप? नहीं, लाइट मिले सही, और का डिमांड है बस। ये क्या नाम है, क्या समस्या लेकर यहाँ एकत्रित? कनिष्ठ प्रताप सिंह नाम है, ग्राम देवियापुर समतर मोड झांसी। समस्या ये है कि साकिन फीडर पे लोड ज़्यादा है और विद्युत विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि लोड अधिक होने के कारण विद्युत आपूर्ति में बहुत समस्या है और यहाँ के जो लाइनमैन वगैरह हैं वो सुचारू रूप से काम नहीं करते हैं अपना। बाकी रिश्वत वगैरह, पैसे दो तो लाइन जोड़ेंगे, नहीं दो तो नहीं काम करेंगे, और अगर लोड ज़्यादा हो गया तो इधर की लाइट काट दी, उधर का चला दिया, या इन लोगों से पैसा ले लिया, उन लोगों का काम कर दिया। लगभग कितने समय से परेशानी रही है? ये लगभग समझ लीजिए आप 2 या 2.5 महीने से, समझ लीजिए 1 महीने से तो प्रॉपर है बिल्कुल। ये अभी धान की मतलब जो फसल लग रही है उस वजह से लोहागढ़ पावर हाउस में सप्लाई की डिस्टर्बेंस आ रहा था, जिसके लिए कल शाम को भी लोगों द्वारा पावर हाउस में जाके हंगामा किया गया था। इन लोग परसों जाके मैंने रोस्टर भी बनाया था, उसी संबंध में आज ये लोग इकट्ठे हुए थे, उसलिए आए हुए थे। लोड का देखो सबसे बड़ी समस्या ओवरलोडिंग की है, जिनके मैं मतलब अपील ही करना चाहूँगा सब लोगों से कि जिनके जितने लोड स्वीकृत हैं कृपया उतने ही चलाएँ, उससे हमें लोड का आकलन करने में भी आसानी होती है, उस हिसाब से हम सिस्टम भी अपना चला सकते हैं। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।